अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ लाहौर, और आज मैं आपको सियालकोट लाहौर मोटरवे का विज़िट करवाऊँगी। तो काफ़ी इजी हो चुका है सफ़र अब जी लाहौर जाने का, क्योंकि जीटी रोड से सफ़र बहुत मुश्किल हो गया था। वहाँ की सड़कों की भी टूट फूट जो है वो काफ़ी थी, और काफ़ी थकावट हो जाती थी लाहौर जाते हुए। तो 3-4 घंटे तो मस्ट ही लग जाते थे। अपनी कन्वेस पे तकरीबन 2-2.5 घंटे तो लगते ही थे, लेकिन जब से मोटरवे बनी है तो लाहौर जाना काफ़ी आसान हो चुका है, और मैं काफ़ी जल्दी जल्दी लाहौर विज़िट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें, यहाँ पे आ गया था फिलिंग स्टेशन, और उसके साथ ही यहाँ से जो है मोटरवे का ये लिंक उन्होंने दिया हुआ है, ये स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखें, लाहौर का बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ से मोटरवे जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये काफ़ी शहरों को उन्होंने काफ़ी शहरों का लिंक दिया हुआ है इस पर। यही नहीं कि ये सियालकोट के लोग यहाँ वाले सिर्फ जा सकते हैं, और जो सिटीज़ हैं सियालकोट में वो भी जा सकते हैं, जैसे पसरूर हो गया, और यहाँ से गुजरां वाले भी जा सकते हैं। गुजरां वाले वाले लोग भी इधर से मोटरवे से एंटर कर सकते हैं। नारोवाल इधर से जा सकते हैं, शकरगढ़ वाले और पसरूर वाले। तो ये देखें, यहाँ पे अब फर्स्ट जो है वो टोल प्लाज़ा आ गया था। यहाँ पे व्यूअर्स जो है वो कार्ड मिलता है, और वो लेने के बाद फिर सफ़र जो है वो फाइनली जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस हसीन सफ़र में। तो ये सामने बोर्ड भी लगा था कि सीट बेल्ट बांध लें, तो ये भी हमारी सेफ्टी के लिए होता है। तो एहतियात तो सबसे पहले ज़रूरी है, तो आप लोग भी सफ़र में एहतियात कीजिए। और ये देखें कितना अच्छा व्यू है, और काफ़ी ग्रीनरी है साइडों पे। ये देखें, काफ़ी गांव और कस्बे कुछ नज़दीक हैं, और कुछ तो काफ़ी दूर दूर हैं, नज़र सिर्फ कुछ नहीं आता वहाँ पे, सिर्फ ये फसलें वगैरह ही नज़र आती हैं, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो ये देखें, और उन्होंने हर जगह पे लिंक जहाँ जहाँ से एंटर होते हैं या एग्ज़िट आपने करनी है वहाँ पर बिल बोर्ड लगाए होते हैं, तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ से सफ़र करने में। और व्यूवर्स, अब फ्यूल का भी जो खर्चा है वो भी कम हो गया है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ अब कम ही सफ़र है, ज़ाहिर है 1 घंटे में हम लोग लाहौर पहुँच जाते हैं। तो चलिए आप लोग इस सफ़र को मेरे साथ इंजॉय करें और मोटरवे देखें। बस मोटरवे यहाँ तक की, और इसका सफ़र हो गया है एंड। यहाँ पे आगे जो है वो रिंग रोड स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से आगे का सफ़र करेंगे। तो मोटरवे यहीं तक है। ये देखें, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि 1 बाय 1 सब लोग यहाँ पे जो है वो पेमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये हेल्पलाइन भी दी गई है मोटरवे पे, अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाए तो। तो व्यूवर्स, लाहौर जो है जाके मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, बच्चे भी, क्योंकि वहाँ पे सब लोग हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी हल्ला गुल्ला भी करते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखें, अब लाहौर और शाहदरा का बोर्ड इधर बिल बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इधर को टर्न कर लेते हैं गाड़ी, और जो है वो मैं आज पहले अपनी सिस्टर की तरफ जाऊंगी, तो उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे रिलेटिव्स की तरफ भी जाऊंगी।
तो यहाँ पे अब आ गया था जी फाइनली ये काला शाह का कुका टोल प्लाज़ा। तो इसके बाद बस थोड़ी देर के सफ़र और थोड़ा सफ़र और है, तो फिर मैं अपनी सिस्टर की तरफ पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ तक की थी जी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और व्यूअर्स, मोटरवे का सफ़र आप लोगों को कैसा लगा है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये मैं फ़ाइनली अपनी सिस्टर की तरफ पहुंच गई हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।